हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द सेकंड वीडियो ऑफ़ दिस कोर्स द वीडियो इज कॉल्ड सिलेबस एंड गेटिंग स्टार्टेड अबाउट केमिस्ट्री दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी दैट इज दर पटेल तो सिलेबस क्या है केमिस्ट्री का एलेवंथ और ट्वेल्थ की एन सी आर टी बुक से ही, जितने भी टॉपिक्स हैं उतने टॉपिक आपके सिलेबस हैं उसमें क्या क्या होता है फिजिकल होती है ऑर्गेनिक होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है ये सब के बारे में इनके टॉपिक्स में इनके अंडर क्या क्या टॉपिक्स आते हैं क्या स्ट्रेटी होगी ये सब हम आगे के, आगे के वीडियोज़ में बात करेंगे ओके okay? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप पढ़ाई की शुरुआत कैसे करें है ना जब हम शुरू शुरू में होते हैं एलेवंथ क्लास में आते हैं तो बहुत बच्चे होते हैं क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि टेंथ से एलेवंथ में जाने पर इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आता है ना कि पढ़ाई में पढ़ाई के लोड में कि मतलब बहुत ही ज़्यादा लोड पड़ जाता है बच्चों पर तो उस लोड को और इस ड्रास्टिक चेंज को कैसे इसके लिए आपको अडेप्ट करना है क्योंकि आप उसको चेंज तो कर नहीं सकते ठीक है सिस्टम वैसा है आपको उसको फॉलो करना है फिलहाल आप चेंज कर सकते हो आगे जाके कुछ अच्छा बन के ठीक है मगर फ़िलहाल आपको उसको फॉलो करना है तो आपको क्या करना है कि उसके लिए उसके लिए आपको अडेप्ट होना है तो जब जहाँ आप एक तरफ टेंथ क्लास में एक से दो घंटे दिन में पढ़ाई करते थे वहीं आपको ट्वेल्थ एलेवंथ और ट्वेल्थ क्लास में मिनिमम दस घंटे रोज़ पढ़ाई करनी पड़ेगी तो दस घंटे से आधी पढ़ना पड़ेगा है ना तो ये करना होगा तो केमिस्ट्री की के आप स्टार्टिंग कैसे करो तो आप इतना ये सोच लेना कि जब केमिस्ट्री आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं आता मतलब कुछ भी नहीं आता आप एकदम बिलो एवरेज स्टूडेंट हो आप ये मान लो कि और आपको कुछ नहीं आता क्योंकि जब आप ये सोच के पढ़ाई स्टार्ट करोगे ना तो आप हर चीज़ का रीज़न जानना चाहोगे आप हर चीज़ पढ़ना चाहोगे बहुत ज़्यादा क्यूरियासिटी होगी कि ये क्या ये क्या बहुत सारी नई चीज़ें सीखोगे आप और इससे क्या होगा कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आप क्वेश्चन अच्छे सॉल्व कर पाओगे तो अपने सारे के सारे बेसिक्स एकदम स्ट्रांग रखें जैसे जैसे कि स्टॉक्यूमेट्री होता है बहुत बेसिक चैप्टर होता है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है केमिकल बॉन्डिंग एंड ऑल इन सब टॉपिक्स को जो बेसिक्स हैं बेसिक्स को स्ट्रांग करो क्योंकि अगर बड़ी इमारत बनानी है तो उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए ठीक है हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखें अगर आपको लगता है कि आप एक बहुत बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं आप कुछ नहीं कर सकते तो प्लीज़ इस थॉट को छोड़ दीजिए अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं या बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप मेहनत करके एकदम बेस्ट बन सकते हैं तो सिर्फ यही सोच लेना इतना आसान सब्जेक्ट है मैं इसको बहुत अच्छे से कर सकता हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को फिजिक्स में प्रॉब्लम आती है मैंने एक फ़िज़िक्स से लिए अलग से कोर्स बनाया हुआ है प्लीज़ उसको देखें क्योंकि उसमें आपको फिज़िक्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी तो फिजिक्स में अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है फिर भी आ रही है प्रॉब्लम तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपका सिलेक्शन करा देगी तो इनमें आप कोई समझौता नहीं कर सकते इसलिए अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखें और इसको पढ़ते जाएँ आपकी लिमिटेशंस को जानो भाई कि अगर आपको एक चैप्टर नहीं आता है तो खुद को बेवकूफ़ ना बनाओ कि मुझे ये आता है आता है कह आप मानो कि आपको चैप्टर नहीं आता और उसको पढ़ लो है ना तो आपकी लिमिटेशन जानो अपनी कमज़ोरियों को जानो और उनको ठीक करो और सेल्फ रिफ्लेक्शन सेल्फ रिफ्लैक्शन मतलब होता है कि दिन के अंत में आप दिन के अंत में आप अपने आप को बताओ कि मैंने क्या किया दिन भर में मैंने क्या प्रोडक्टिव काम किया है ना ऐसे ही आप केमिस्ट्री में करो कि इतने दिन हो गए यार एक महीना बीत चुका है मैंने क्या क्या किया है अब एक साल बीत गया मैंने क्या क्या पढ़ा केमिस्ट्री में तो ख़ुद ने क्या किया है दिन भर में वो करो क्या सही किया क्या गलत किया गलत किया है तो सही क्या होता है उसका ये भी सोचो है ना तो ये सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है तो आप ये कर सकते हो और ये सारे तरीके यूज़ करके आप केमिस्ट्री को बहुत अच्छा बना सकते हो क्योंकि केमिस्ट्री बहुत आसान होती है बहुत ही कॉन्सेपचुअल है तो ईजिली आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो केमिस्ट्री में थर्टी प्लस आप स्कोर कर सकते हो आराम से तो आराम से आप केमिस्ट्री पढ़ते जाएँ और बिल्कुल भी नेगेटिव ना सोचें एकदम पॉजिटिव रहें ठीक है थैंक यू